नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड के लिए नया आवेदन किया था, आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति को कैसे जानोगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैंने एक आवेदन की स्थिति को चेक किया है। आप भी इसी तरीके से अपने आवेदन की स्थिति को जान सकते हो, चेक कर सकते हो कि हमारा श्रमिक कार्ड क्यों नहीं बना। अगर बन गया है तो आप इस तरीके से अपनी स्थिति को चेक कर सकते हो। सो गाइस, यह श्रमिक कार्ड बन चुका है, आप यहां देख सकते हो, यह न्यू आवेदन है, यह श्रमिक कार्ड बन चुका है, कुछ ही दिनों में यह लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो गाइस, आप भी इसी तरीके से अपना चेक कर सकते हो कि हमारा श्रमिक कार्ड कहां फंसा हुआ है, क्यों नहीं बना आखिर में। तो गाइज, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, यह बता दें कि अगर आप नया आवेदन करना चाहते हो या संशोधन करना चाहते हो तो वह सब चालू है, आप उन्हें आसानी से कर सकते हो फोन द्वारा। सो गाइज, उसके लिए हम वीडियो जल्द लेके आएंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर के आवेदन की स्थिति को दिखाता है, उसी तरीके से आप भी अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हो। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना यहाँ क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद आपको यहाँ गूगल सर्च बार में टाइप करना है UPBOCW। तो गाइज, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ UPBOCW। इतना सर्च करोगे तो आपके सामने श्रम की जो ऑफिशियल साइट है वह आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो गाइज, इतना सर्च करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ चुका है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म का। तो आपको इसी पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल जो साइट है आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो गाइज, इतना आने के बाद अब आपको यहाँ करना क्या है, आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको श्रमिक। तो गाइज, आपको यहाँ श्रमिक पे क्लिक कर देना है, और श्रमिक पे क्लिक जब आप कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो गाइज, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पंजीयन की स्थिति। तो आपको यहाँ पर अपने पंजीयन की स्थिति जाननी, अगर आपने नया आवेदन किया है तो आपको पंजीयन की स्थिति पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने जो एक नया पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो गाइज, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ क्या करना है। तो गाइज, इसको आपको आवेदन संख्या, तो आपको इसी बिंदु पे टिक कर देना है, आपको इसे टिक कर लेना है। तो मैं इसे टिक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पंजीयन संख्या डालना है। तो गाइज, आपने जो आवेदन किया होता, आपको आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या होगी आपके पास, तो आपको वह यहाँ पर पंजीयन संख्या डाल देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हो पंजीयन संख्या होगी, तो दूसरे कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो गाइज, मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वह पूरी तरीके से खुल के आ गई है। तो आप भी यह पता लगा सकते हो कि हमारा श्रमिक कार्ड बना है अथवा नहीं बना, तो इस तरीके से आप भी अपना यहाँ पर पता लगा सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि यह आपका श्रमिक कार्ड बन चुका है लेकिन अभी सत्यापित नहीं हुआ है, जिसे बोलते हैं वेरीफाई। तो गाइज, ये वेरीफाई जब होता है, जब आप, अगर आपने नया आवेदन किया है, आप जब कहीं वर्क करोगे, अपना कार्य करोगे, तो यह वहां से सत्यापित होता है। तो जब भी आप यहाँ पर अपना श्रमिक कार्ड को लगाओगे तो वह वहां से सत्यापित हो जाएगा जब आप अपना कार्य करने लगोगे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। गाइज, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, आपको यहाँ प्रिंट का निशान दिख रहा होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो गाइज, आपको यहाँ पर बराबर में दिख रहा होगा PDF, तो आपको इसी PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस PDF के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप इस सेव पे क्लिक करोगे तो यह PDF के रूप में आपके यहाँ उस फोन में सेव हो चुकी है, आप PDF में जाकर देख सकते हो। गाइज, यह सेव हो चुकी है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज, अगली वीडियो में बने रहने के लिए नमस्कार।